जिंदगी आप पर हंसती है जब आप दुखी होते हो, जिंदगी आप पर मुस्कुराती है जब आप खुश होते हो, जिंदगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरे को खुश करते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नराना टापू आए हैं, हमारे साथ सब मित्र हैं, चिराग भाई हमारे, दुर्गेश भाई, हाय, गुना भाई और सुमित भाई हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम विजिट करते हैं नराना का, देखते हैं उस वहाँ पे जो जलचर प्राणी देखने को मिलते हैं। तो आज अब देखेंगे वहाँ जाके क्या क्या है। अभी का जो ये अच्छा लोकेशन था, तो चलिए एक यहाँ से हमारी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, पर पर्सन 40 रुपीज़ है, कैमरा हो तो एक्स्ट्रा 200 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब ये सामने जो दिखता है वो म्यूजियम है उसका, तो अंदर जाके भी चलो देखते हैं। इस वीडियो को आप पूरी देखने का, और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने का, और ख़ास बात यहाँ पे विदाउट गाइड मत जाने का, क्योंकि यहाँ पे जेरी प्राणी भी है। तो मैं गाइड का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जब भी लो टाइट हो, लो टाइट 6 घंटे का होता है, उसका इंक्वायरी आप ज़रूर करने का, उसके बाद इधर आने का। अगर आपको पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में गाइड का नंबर दिया है, उसे फ़ोन करके भी आप पता कर सकते हो। आपको समुंदर में 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, और विदाउट शूज भी मत जाने का। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। ये है मैंग्रोव ट्री, इसकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई है, अक्सर ये समुंदर किनारे पाया जाता है और ये तूफानों से बचाता है। इंडिया में टोटल 4 मरीन नेशनल पार्क है, इसमें से नरारा है। यहीं पे समुद्र जीव तो आपको देखने को मिलेंगे, साथ में बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बर्ड सेंचुरी भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे समुद्र जीव के ऊपर स्टडी भी किया जाता है। Thank you.
हमारे साथ ये करीम भाई है। करीम भाई हमारे गाइड है और अच्छा गाइड भी करते हैं। मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर डाल दिया हुआ है, तो आपको कॉन्टेक्ट करके पूरा माहिती ले लेने का, इसके बाद ही इधर आने का। दरियाई जीव के ऊपर आपको पूरा करीम भाई माहिती देंगे और ये ढेरी है नहीं है, पकड़ने के लायक है नहीं है, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो चलिए समुद्र जीव का वीडियो देखते हैं। ऑक्टोपस 8 हाथों वाला सॉफ्ट समुद्र जीव है। वो खतरों से बचने के लिए अपने आप को रंग बदलता रहता है और इसके अंदर 3 दिल भी पाए जाते हैं। ये 300 टाइप के देखने को मिलते हैं। ये है बफर फिश। इसे जब आप पानी से निकालोगे तो बॉल की तरह फूल जाती है। जब उसको पानी में रखोगे वो अपने आप वापस मूल स्वरूप में आ जाती है। इसको जापान में सिर्फ खाया जाता है। जापान में भी ट्रेंड शेप के द्वारा इसको बनाया जाता है, क्योंकि साइनाइड से भी खतरनाक जेरी होती है और इस टाइप की 100 फिश देखने को मिलती है। इसके लंबे दांत भी होते हैं। ये है समुद्र फूल। ये भी एक समुद्र जीव है। ज्यादातर ये समुद्र तट के छिछरे पानी में या पत्थरों के ऊपर चिपके रहते हैं। इसकी भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। भोजन के लिए वो जीव जंतु को स्पर्श द्वारा मूर्छित कर देते हैं या मार देते हैं, फिर उसका भोजन कर लेते हैं। इसको टच करोगे तो अंदर की ओर चला जाता है। ये भी क्रैब है, यानी के केकड़ा। ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्रैब भी देखने को मिलते हैं। ये है वॉल्फ क्रैब, यानी कि भेड़िया केकड़ा। इसके ऊपर बाल देखने को मिलते हैं। किसी भी जीव को हाथ में लेने से पहले गाइड का मार्गदर्शन के हिसाब से लेने का, वरना ये जेरी जीव होते हैं तो कभी भी काट सकते हैं। ये भी ऑक्टोपस है, वो डिफरेंस टाइप का ऑक्टोपस है। ये है स्टारफिश। केवल समुद्र जल में ही पाया जाता है। 2000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इसका शरीर का कोई भी अंग टूट जाए तो वो वापस अपने आप डेवलप कर लेता है। ये है सी ककुम्बर, यानी के दरियाई खीरा। वो अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए शरीर के ऊपर एक कोटेड बना देता है। ये है क्रैब, यानी कि केकड़ा। ये जमीन के ऊपर भी पाया जाता है, समुद्र में भी पाया जाता है, हर जगह पे मिल जाता है। और इसकी प्रजातियाँ 4500 टाइप की प्रजातियाँ भी है। बहुत लोगों का ये पसंदगी भोजन भी है।
स्टार फिश है, यानी कि अलग टाइप की एक स्टार फिश है। ये भी एक क्रेब है, इसको एक्चुअली सीताफली क्रेब बोलते हैं। इसका जो ऊपर का जो स्किन होता है वो सीताफल की टाइप स्किन होता है, इसकी वजह से उसको सीताफली क्रेब बोलते हैं। बहुत टाइप के क्रेब यहाँ देखने को मिलते हैं, इसमें से भी ये एक अलग टाइप का क्रेब है। ये है सी वॉर्म्स, यानी कि समुद्र कीड़े, और हमारे गुजराती में इसको अड़सिया बोलते हैं। इसको आप टच करोगे तो ये अंदर की ओर चला जाएगा। ये है एलिव स्पॉन्स, ये समुद्र पानी को फिल्टर करता रहता है, और ये ऐसा 65 प्रकार के पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग कलरों में पाए जाते हैं। इसको आप टच करोगे तो एकदम सॉफ्ट लगेगा। ये है कॉरल्स, इसको हम गुजराती में परवाड़ा बोलते हैं, और ये चट्टानों के ऊपर लगा रहता है। जब भी आप इधर आइए, अपने साथ नाश्ता पानी लेके आने का, क्योंकि यहाँ से नज़दीक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए कुछ फोटोग्राफ देख लेते हैं। दोस्तों, मैं ये मनोरंजन के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करने का धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे।